हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मासूटिकल एड्स जैसा कहीं मैंने आपको बताया था कि डोजेज़ फॉर्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ड्रग और एक्सीपियस तो किसी भी डोजेस फॉर्म में एक, ड्रग के अलावा जो भी चीज़ें ऐड की जाती हैं उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल एड्स में बेसिकली डिस्कस करेंगे आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टर्म आर्गेनोलेप्टिक कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स आर्गन प्लस लेप्टिक मीन्स आर्गेनोलेप्टिक इक्वल टू आर्गन प्लस लेप्टिक यहाँ हम आर्गन की बात करेंगे नोज, ईयर एंड माउथ माउथ में टंग्स की बात करेंगे तो आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स का मतलब क्या हुआ वह एजेंट्स जो हमारे आँख को नाक को और जीभ को अच्छा लगे उसको हम आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स कहेंगे आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स आर डोज एजेंट्स विच मेक द डोजेज फॉर्म कन्वीनियंट एंड प्लीजिंग टू द पेशेंट मीन्स आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स वह एजेंट है जो कि डोजेस फॉर्म को कंफर्टेबल एंड पेशेंट को अच्छा लगने के लिए बनाता है अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स आर थ्री टाइप्स फर्स्ट वन कलरिंग एजेंट सेकेंड वन फ्लेवरिंग एजेंट एंड थर्ड वन स्वीटनिंग एजेंट अब हम बात करते हैं कलरिंग एजेंट्स की तो कलरिंग एजेंट्स आर दो सबस्टेंस विच आर यूज टू इम्पार्ट कलर टू द डोजेस फॉर्म ऑब्जेक्टिव वट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ कलरिंग एजेंट टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट टू डिस्टिंग्विज द प्रोडक्ट टू इंक्रीज द एलिगेंस ऑफ प्रोडक्ट टू मास्क द डिसकलर्ड इन्ग्रेडियंट आर ओ आर आर ड्रग्स मीन्स कलरिंग एजेंट वह सबस्टेंस होते हैं जो डोजेस फॉर्म को कलर प्रोवाइड करते हैं अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कलरिंग एजेंट का प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में सपोज कीजिए दो प्रोडक्ट हैं और दोनों के कलर अलग अलग हैं तो वो दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होंगे कि इस कलर का प्रोडक्ट ये है और इस कलर का प्रोडक्ट ये है टू डिस्टिंगज द प्रोडक्ट टू इंक्रीज द एलिगेंस ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट के अपीयरेंस को इनक्रीज़ करना प्रोडक्ट की अपेयरेंस को बढ़ा देना एंड नेक्स्ट टू मास्क द डिसकलर्ड इंग्रेडिएंट आर ओ आर आर ड्रग अगर डोजेज फॉर्म में कोई डिसकलर्ड एजेंट या ड्रग है तो उसके आ, कलर को भी यह मास्क कर देते हैं तो तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट्स देर आर टू टाइप्स नेचुरल कलरिंग एजेंट एंड सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स अब बात करते हैं नेचुरल कलरिंग एजेंट्स नेचुरल कलरिंग एजेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वेजिटेबल कलर्स एनिमल कलर्स मिनरल कलर्स वेजिटेबल कलर्स के एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफिल कैरोटीन एनिमल कलर्स जो कलर्स एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं कॉकनियल और जो कलर मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड अब बात करते हैं सिंथेटिक कलरिंग एजेंट की सिंथेटिक कलरिंग एजेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एफ डी एन सी मीन्स फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जिसका यूज़ फूड ड्रग और कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है जैसे एरेथ्रोशिन जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है टाट्राजिन जो येलो कलर प्रोवाइड करता है सेकेंड क्लास है डी एन सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाने वाले कलर्स फॉर एग्जाम्पल्स इंडिगो जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है ईसिन जो कि फॉर्मूलेशन को रेड कलर प्रोवाइड करता है ये तो रहा टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट अब हम बात करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स की फ्लेवरिंग एजेंट्स आर दो सबस्टेंस विच आर यूज टू मास्क द अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ ड्रग ऑब्जेक्टिव टू मास्क द अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ द ड्रग टू इंक्रीज़ द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी टाइप्स टू टाइप्स नेचुरल एंड सिंथेटिक इन नेचुरल एग्जाम्पल इस पाइनएप्पल काडामम जिंजर बनाना ऑरेंज और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं एल्डिहाइड एल्कोहल कीटोन स्टर्स फैटी एसिड्स ए टी सी तो फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स वह सबस्टेंस है जो अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ ड्रग को मास्क करता है ऑब्जेक्टिव टू मास्क द अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ द ड्रग मीन्स जिस ड्रग का स्मेल हमें अच्छा नहीं लग रहा है उस स्मेल को मास्क करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी ज़ाहिर सी बात है जो ड्रग का स्मेल हमें अच्छा नहीं लग रहा है अगर उसको उस स्मेल को मास्क कर दिया जाए तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी अब बात करेंगे टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स तो टू टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स नेचुरल फ़्लेवरिंग एजेंट्स जिसके एग्जांपल्स हैं पाइन एप्पल जिंजर बनाना ऑरेंज और जो भी फ्रूट्स आप जानते हैं वो सब नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स में आ जाएंगे सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स में एल्डिहाइड्स कीटोन्स एल्कोहल्स इस्टर और फैटी एसिड्स आ जाएंगे ये तो रहा फ्लेवरिंग एजेंट्स उसके ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स फॉर साल्टी टेस्ट अगर कोई डोजेस फॉर्म साल्टी टेस्ट का है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट सिनेमोन बेस्ट सिनेमन उसके लिए क्या है बेस्ट फ्लेवरिंग एजेंट है उसके अलावा ऑरेंज सिरप यूज कर सकते हैं रास्पबेरी सिरप यूज कर सकते हैं और फॉर बिटर टेस्ट के लिए अगर फार्मूलेशन या डोजेस फॉर्म का टेस्ट बिटर है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे कोकोवा सिरप रास्पबेरी सिरप और चेरी सिरप भी यूज कर सकते हैं और अगर ड्रग का टेस्ट एसिडिक है या सॉर टेस्ट है मतलब खट्टा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे रेस्प और अदर फ्रूट सिरप जो कि आप जानते हैं इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन जनरल चिल्ड्रेन लाइक फ्रूट फ्लेवर्ड सिरप एडल्ट प्रीफरस मोर एसिडिक टेस्ट वेल मेनी ओल्ड पीपल प्रीफर मिंट और वाइन फ्लेवर्स अब बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट की स्वीटनिंग एजेंट्स आर एजेंट्स विच आर यूज्ड टू स्वीट एंड द्रीपरेशन मीन्स स्वीटनिंग एजेंट्स वह सबस्टेंट्स होते हैं जो कि हमारे प्रिपरेशंस को हमारे दवाइयों को क्या करते हैं मीठा बना देते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स आर आल्सो यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग अगर कोई ड्रग का टेस्ट बीटर टेस्ट है तो उसका टेस्ट स्वीटनिंग एजेंट यूज करके मास्क कर सकते हैं अब बात करेंगे टाइप ऑफ स्वीटनिंग एजेंट नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज डेक्स्ट्रोज एंड सुक्रोज। ये सब नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट हैं अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के एग्ज़ाम्पल्स हैं सैक्रिन स्पार्टम सोडियम साइक्लामेट्स ये तरह स्वीटनिंग एजेंट्स डेफिनीसन्स एंड टाइप्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्वीटनिंग एजेंट के लिए इन जनरल सुक्रोज इज़ मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट बट अवॉइडेड इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट्स जनरली सुक्रोज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्वीटनिंग एजेंट के लिए बट डायबिटीज़ के, के केस में इनको क्या किया जाता है अवॉइड किया जाता है क्यों क्योंकि ये सुक्रोज शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं एस्पार्टम अप्रॉक्सीमेट वन एटी टू टू हंड्रेड टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज 180 से 200 गुना ज़्यादा स्वीटर होता है सुक्रोज से सैक्रन अप्रॉक्सीमेटली 300 टू 600 हंड्रेड टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज सैक्रीन 300 से 600 गुना ज़्यादा स्वीटर होता है किससे सुक्रोज से डायबिटीज़ के, के केस में सैक्रीन का यूज किया जाता है क्योंकि इसकी कैलोरिक वैल्यू लो होती है तो ये तो रहा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ आर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स दैट इज़ कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट्स आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें जो मैटर मैंने डिस्कस किया है वो आपके लिए यूजफुल होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो